क्या कर ले तुम लोग? इधर से दिखा, इधर से क्या कर रहा था? अरे बाप ले, मेकअप कर रहा था तू तो? काजल लगा रहा था। फाउंडेशन? फाउंडेशन पाउडर। मैंगो खा खा के देखना, मैंगो कितना देखा निकल रहा उसको अभी। हाँ, पूरा मैंगो निकाल दिला साइड से। जी मम्मी वो दिखा, मैंगो फेवरेट है इसका। और बकरे लोग का भी, ये जो बाजू में अपने है ना, आम का पत्ता, आम का झाड़, सबसे शौक से इन लोग ने ये खाए। अभी तो हटा दिया दो को यहाँ से, एकदम साफ ऑफ कर दिया जगह दोनों को, यहाँ एकदम कुप्छे में डाल दिया। देखो उधर पर बैठे हुए नूर कपड़े निकाल रही है। ए नूर, आ गए थे कसाई ढूंढने के लिए। लास्ट टाइम हम लोग का ना ऐसा कोई कसाई फिक्स नहीं है ना कि हर बार आता है यही काटता है, वैसा वाला सीन नहीं है। रुको पहले ना, हाँ उजाला इधर से मस्त। हाँ नहीं तो क्या, कैमरा काला काला हो जाता है, ऐसा कमेंट भी आने लगा है। और एक्चुअली हो जाता है क्योंकि ये गोप्रो का ऐसा मोबाइल वाला सीन नहीं है, मोबाइल का ऐसा ऑटो में रहता ना थोड़ा सेटिंग। गोप्रो का ऐसा सीन है ना कि उसको लाइट चाहिए प्रॉपर, कम लाइट रहेगी ना तो काला कर देता है शीशे के ये साइड, है ना, ये साइड सही है। तो हम लोग गए थे कसाई के लिए, कसाई हम लोग का फिक्स नहीं है। तो लास्ट टाइम पे क्या हुआ था मालूम क्या, एक दिन पहले मैंने कसाई से बात किया था कि भाई अपने को भेज देना कल, तो उसने बोला था मेरा भाई ही है वो कर देगा, ठीक है एड्रेस एड्रेस दे कर आया उसको। हम लोग 9-10 बजे फ़ोन कर रहे हैं, आधे घंटे में आ रहा हूँ, 10-15 मिनट में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, ऐसा करते करते 11:30 बजे आया। आया था जोगेश्वरी से मलाड, मतलब दूर से आया था और सामान नहीं लेकर आया, छुरा उरा जो लगता ना छुरी, कुछ भी नहीं लेकर आया। अब यहाँ पर कोई मालूम नहीं था उसका दोस्त, उससे सामान लेकर आ गए और फिर अपना काम करते करते उसके जिससे सामान लेकर आया ना वो बंदा आ गया, आधे घंटे में आके उसको परेशान करना चालू कर दिया। फिर उसको भी चालू है वो कि भाई बस आधे घंटे में दे रहा हूँ, वो बंदा जाता है फिर आधे घंटे के बाद आता है, फिर भाई 15 मिनट में दे रहा हूँ। अब उसने चिल्ला पुकार चालू कर दिया उसको। अभी ईद के दिन अपने घर पर कोई तीसरा बंदा चौथे बंदे के लिए आ रहा है और घर के बाहर खड़े रह के चिल्ला पुकार कर रहा है एकदम ज़ोर ज़ोर से, उसको हड़का के भगाया था। फिर मैंने, अरे मतलब जाना यार कि ये क्या कोई तरीका क्या तेरा, दोनों को चिल्लाया था, मतलब ईद के दिन तू किसी के घर पे आके चिल्ला पुकार कर रहा है, अच्छी बात है कि ये क्या हो गया? तो उसको और गुस्सा आ गया, बोलता भाई अब भी दे मेरा सामान। तो फिर वो टाइम पे बहुत परेशानी हुई थी, तो मैं यही चक्कर में था कि यहाँ के कोई नज़दीक वाला रहेगा तो जाके करवा देता हूँ। तो पता चला अभी कि कसाईवाड़ी में बोल रहे कि काम करो बकरा लेकर आओ, नंबर लगा लगा के खड़े रहेंगे तो तुम्हारा काम वैसे भी हो जाएगा, लेकिन वैसे में जाने का नहीं है। उसमें बोल रहा है कि वो 12 बजे के बाद वैसे भी तुमको सस्ते में करके देंगे, सुबह 12 बजे से पहले 3,000 रुपये एक बकरे का, और कोई कोई 2,500 भी बोल रहा है। 12 बजे के बाद बोले 2,000 से अंदर ही होएगा, मतलब 1,500 एक बकरे का ऐसा। तो चालू है प्रोसेस, अभी तक हुआ नहीं, हो जाएगा तो डन करता हूँ। तो वहाँ पर है ना एक शहतूत का है, शहतूत का झाड़, तो शहतूत का झाड़ और आम का पत्ता, मतलब शहतूत का पत्ता और आम का पत्ता, ये दोनों एकदम इन लोगों ने ना शौक से खाए। और अभी एकदम मतलब आराम वाला टाइम चल रहा, नहीं तो ये पूरा अपना ना गार्डन भरा हुआ था कैसे बकरों से, सब बकरे लेकर आए थे। कोई वहाँ के बादाम के पत्ते खा रहा है, कोई इधर पे इमली 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 के पत्ते खा रहा है, फिर वहाँ पर है ना वो छोटी इमली आती ना कांटे वाली बबूल जैसी वो खा रहा। अच्छा इन लोग को कांटे भी चलते हैं, कांटे तो एकदम चबा के खा जाते हैं एकदम शौक से। फिर ये फल्ली का झाड़ है, ये भी खा रहा है, ये जंगली नहीं खा रहे, ये जंगली वाले नहीं खाते, ये भी नहीं खाते, ये डाल वाले खा ले रहे, बादाम के पत्ते खा ले रहे, तो भी मालूम पड़ा। लेकिन सबसे फेवरेट ये वाले बकरे का तो सबसे फेवरेट था ये वाला आम का। अरे मैं वही बोला कब तैयार होएगा, कब तैयार होएगा, अरे वाह मामू तैयार, नाच के बता। टक टकर टक टकर टक टकर टक टकर डंग डंग करो करो, इसको अच्छे से तैयार करो, तू भी तैयार हो जा। हाँ अभी तैयार हूँ, पहले इसको तैयार कर दे। चिकी यूसुफ तेरे को सिंह किसने मारा था, उसने मारा था कि इसने मारा था? मेरा प्यारा बकरा ये है, उसने मारा है, इसने मारा था, पर उसका ही नाम लूंगा क्योंकि ये मेरा प्यारा बच्चा है। अरे मारा इसने, नाम उसका लेगा क्योंकि प्यारा है बच्चा। माफ कर दिया तूने इसको, ये क्या खा रहे तुम लोग, लस्सी? लस्सी लड़े इससे अच्छा दोनों को डिवाइड करो दे दो। हाँ ये भी सही है, अच्छा किए बहुत, है ना। हाँ। ऐसा बाल क्यों काटी भाई तू? ताकि गर्मी ना लगे, हर चीज में आसानी होती है बाल को। इसको भी चाहिए। हाँ। यूसुफ तेरा प्यारा पकड़ो, नहीं खा चल।
नहीं नीचे नहीं, हाथ से खिलाना पड़ता उसको। एक तुम लोग खा लो पहले, लास्ट में एक चम्मच बचा और एक एक चम्मच। यूसुफ ने बहुत अच्छी चीज की, मार खाने के बाद माफ कर दिया। खिदमत करनी पड़ती है भाई इनकी। चल खाने का, जल्दी खा, जल्दी खाओ। हाँ, इन लोगों को खिदमत करनी पड़ती है इनकी। और पता चल रहा है कि दो बच्चों ने खाना खाया। ये तो बकरा बन के खा रहा था खाना। खाना खाने के टाइम पे बकरा बनाई थी ना तूने इसको, खुद बन गया था। तो वही तो, ये बकरा बन के खाना खा रहा था। मुझे बहुत दोनों अच्छे लगते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन वो वाला ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन डर भी उससे ही लगता है मुझे। क्यों? क्योंकि वो बड़ा है, उसकी सींग बड़ी है। अच्छा, लेकिन मारता तो ये है सींग। लेकिन हम इसको प्यार करते हैं, और वो बड़ा भी है साथ में बहुत ज्यादा। हमें उसकी सींग से डर लगता है तुमको? इसकी सींग कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है, है ना? इसकी सींग पूरे हाथ, इसकी सींग कितनी बड़ी है पता है? ये देखो पूरे हाथ जितनी है, डबल है, डबल उसकी सींग का। उसकी सींग भी खुजाते रहती है। उसने तो सींग खुजाने के चक्कर में पता है क्या किया है? बताता हूँ तुम लोगों को, पहले कहाँ खड़ा किया था मालूम? मैंने लोग को यहाँ बांधा था ना, ये देखो सींग खुजाने के चक्कर में क्या किया इसने, पूरा झाड़ छील दिया। अच्छा, इसको इसको नहीं खिलाया, उसको खिलाया? खाया तो देख, खा तो रहा है। अब मैं उसको खिलाऊंगी। नहीं खा रहा है, नहीं खा रहा है, इसको भी चाहिए। अब तू मत खाना, इसको भी खिला। हाँ खिला, अरे खिला ना, उसकी रस्सी फेंक देगा। वाटी चबा रहा है, वाटी कमी। अरे तो वाटी खा रहा है तेरे को। हाँ नहीं नहीं नहीं, लस्सी चाट रहा है, चाट रहा है, चाट रहा है, लस्सी चाट रहा है। वाटी कमी। सो 4 दिन के बाद फिर स्कूल चालू होने वाली है, तो क्या मजे ही तो लूंगा। सुबह जाने का है बकरे जैसा। तेरा दांत सही है अभी? मस्त है, अभी सुबह से मैंने गोली नहीं खाई हूँ ना, दर्द जैसा कुछ फील हुआ है ना कुछ। वो डॉक्टर बोला थोड़ा सा ऊंचा रह गया था, जिसकी वजह से पेन हो रहा था। तो अभी उसने घस दिया ना, तो घसने के बाद अभी कल से कोई दर्द नहीं, इतना सा भी दर्द नहीं है, पर एहसास भी नहीं है कि वो करे मेरे रूट कनाल। ये हम लोग ना वापस गए थे एक बार, क्योंकि जब रूट कनाल कराने के बाद ना इसको वापस पेन शुरू हुआ था। हाँ, और बहुत दुख रहा था। इवन मैंने उनकी दी हुई गोली खाने के बाद भी वो दर्द आराम नहीं पड़ रहा था। फिर मैंने डाइक्लोजेन खाई अलग से, उसके बाद थोड़ा आराम पड़ा, तो सोई मैं। ऐसा था। फिर उसके बाद जाके वापस घसाए इसका दांत। अभी सही है, आप सही है ना? मेरे को तो लगा था बवाल पाल ली मैंने। एक्चुअली क्या हुआ मालूम क्या, मेरे को भी तकलीफ थी ना, फूटा हुआ बलून फेंक दिया ऐसे। पानी का खेल खेलना ही नहीं आता उसको। उसको कुछ नहीं है, सिखा तू ही सिखा उसको अच्छे से सब। और ग्लास पे लगा के टंग टंग करता है इसको, वो सब आता ही नहीं। बलून को कुछ नॉलेज ही नहीं है उसको, वही तो फुला कर फोड़ दो और फेंक दो। सिखा ना तू, तू सिखाती कब उसको? तो मैं क्या बता रहा था, नहीं मेरा दांत कैसा था, निकाल दिया था, मसला हल हो गया था। इसने रूट कैनाल कराई थी ना, तो उसके बाद इसके बहुत सारे मसले हो गए थे, क्योंकि वो प्रोसेस अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है, और उसकी तकलीफ भी झेलने वाली बात रहती है। 4 sitting मतलब 7 to 8 days। पहले तो 2 दिन बैक टू बैक बुलाते, फिर 2 दिन का गैप लेते हैं, फिर वो करते हैं, फिर 1 दिन का गैप लेते हैं अगर पेन नहीं है तो, और अगर पेन है तो फिर 2 दिन का गैप होता है, फिर बुलाकर उसका कैप का साइज लिया जाता है, फिर जब कैप बन जाएगा तो वो 2 दिन का गैप होता है, कैप आने के बाद बिठाते, बैठने के बाद में फिर अगर कुछ मसला है तो फिर जाओ। फिर वही तो मैंने ये बोला, वापस से परेशानी थी ना, मैंने यही बोला उसको, मतलब इस बार नहीं हुआ ना फिर एक काम करना, तेरा दांत ही निकाल देना। सुला दी जीनत ने मम्मी को तैयार करके। तुम्हें डायपर नहीं पहना था? हाँ, दुपट्टा रख दियो, सुसु करेगा तो दुपट्टे में ही आ जाएगा। आज यहाँ से हवा आ रही थी ना, देखो हवा उल्टी चल रही, तो इसने भी डब्बा पलटी मार दिया, भूख लगी है लगता हो। वैसे तो पत्ते खाए लोग ने, लेकिन लगता भूसा खाने का इसको, वैसे ही भूसा खत्म हो गया। देखो डाल देता अभी थोड़ा, तू डाल दे भाई। देखो ना भूसे के लिए दोनों भी, दोनों के दोनों चालू हो जाते हैं। रुक जा डालने तो दे भाई। उसको खाना चाहिए, वो पैर पटक सब फेंक रहा है, सब फेंक रहा है, देख ना। देख मैं तो तोड़ दूंगा दोनों का, अलग अलग बना देने का। ये देख उसको, देख सब फेंक रहा है, बोले दे जल्दी दे। खत्म हुआ ये लास्ट है? नहीं है ना अंदर, और वही तो आज सुबह लेकर आए ना हम लोग ने। हाँ। सुबह अलग से आ रहा है, शाम में अलग से आ रहा है। ये इसको दे,
वो वाले में वो दूसरा बना दे, ये लेने दे, खा लेने दे उसको। हाँ तेरे को भी दे रहा हूँ, रुक खा खा खा। वो देख ना उसको दे दिया, उसके बाद भी पलट के देख रहा है कि इसमें क्या लाया मैं। रुक जा इसको नजदीक कर देता हूँ थोड़ा, चला इधर। अरे अरे रुक तो जरा, ये क्या मच्छर मारता है रात में? तेरे को भी दे रहा हूँ, रुक जा। ये सही है, इससे ना इन लोग का पेट वेट खराब नहीं होता है। क्या होता है अपन पूरा साल तो बकरा पालते नहीं है, सिर्फ एंड टाइम पे ऐसा लेकर आते हैं तो फिर कुछ भी खिला देते, बकरे की तबीयत खराब हो जाती है। कभी कभी बकरे लोग पचा भी नहीं पाते, अपन सब खिला तो देते। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही है इन लोगों के लिए, ये आइटम और ये फ्रेश पत्ते हैं। फ्रेश पत्ते मतलब एकदम झाड़ से तोड़े हुए लेकर आते वो अलग बात, लेकिन एकदम ऐसा ग्रीन मॉइस्चर नमी वाला एकदम सूखा पत्ता भी खाते हैं इन लोग। क्या मैं कहीं को फेंकूंगा उसको? सिखा अच्छा, बकरे के जैसा मतलब वो वाइट वाले बकरे मैं खिलाता हूँ अभी। आराम से गिर जाएगा भाई, गिर जाएगा। ये लोग को रात में हम लोग अंदर छोड़ते ना, तो अभी दिन के टाइम पे कैसा बाहर रहते। अभी इन लोग को रस्सी खोल दूंगा ना मैं, तो ऐसा नहीं कि इधर उधर भागेंगे ये लोग, इन लोग सीधा घर के अंदर भागेंगे। देखो अभी इसका खाना हो जाएगा तो इसको दौड़ाएगी तू? जी हाँ जरूर जरूर। कहाँ लेके जाएगी? रोड पे। और भाग के घर में घुस गया तो फिर मैं दोनों हाथ का यूज करूंगी, लेकिन कैसे जब पकड़ पाएगी? ताकत बंद है, मेरे को बाद में दे देना है 5 रुपए उस पे दिए। पक्का संभालेगी ना तू? हाँ लेकिन पहले आप रोड से लेकर। नहीं 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 मैं नहीं लेकर आ रहा, तू लेकर जा, तेरी बात हुई थी। तेरी बात हुई थी ना, तू संभालेगी बोली ना। इधर ये बकरा बैठा है ना, तो कैसे लेकर जाऊंगी? लेके जाना भाई, मेरे को क्या बोल रही है? इधर से छोड़ वो रस्सी, छोड़ ले 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 रस्सी ले पकड़। हाँ अरे छोड़ मत जा साले, मेरे को मालूम था तो घर पे ही भागेगा, मेरे को मालूम था। इसे रोड पे लेकर चलो, जा रोड पे लेकर चलो, जा जा जा। उसके साथ ही रे, वो नहीं संभाल पाएगी। हाँ उसके साथ रे, ये अपने एरिया के बच्चे लोग, इन लोग को मैं देता हूँ कि जाओ थोड़ा चरा के लाओ, थोड़ा घुमा के लाओ इन लोगों को। हाँ अरे जोयान क्या बोलता, हीरो कैसा है तू? हाँ अरे यूसुफ भी तेरा, आजा जोयान तेरे को भी देता एक बकरा। आजा तू चड्डी क्यों पहन के आया? अच्छा गंदे जल्दी हो जा रहे करके, जीन्स लेकर आया था इसने। वो बोला चड्डी कैसे पहन लिया इसने, रुक जा। हाँ चलेगा अभी देखो आगे ना, यहाँ पर है ना रोज ये टाइम पे लोग बकरे लेकर आते हैं, आ भी गए वहाँ पर लोग सब झगड़ा करते। देखो यहाँ पर है, बाप रे ये खूंखार है भाई, फाइटर है ये बहुत मारेगा, ये देख के ही पता चल रहा है। हाँ ये दूर रख दूर रख दूर रख, झगड़ा वगड़ा कर लिया ना फिर अपने बकरे को तो बहुत मारेगा ये। ये कश्मीरी है ना भाई? ये कोटा है, कोटा है सब फाइटर है। हाँ बिल्कुल ना भाई, सब सेम टू सेम है भाई। छोड़ उसको, रिलैक्स कर, थोड़ा खुलने दे उसको, दे वैसा नहीं खोल, वैसा नहीं खोल। अच्छा वो चले गए, मार वार देवे तो भाई अपना बकरा बेहोश हो जाए। और यहाँ पर ना ये सब ज्यादा होता है, पीछे एक और गार्डन है, गार्डन है ना इधर पे बकरे वाला, वहाँ पर है ना सब लेकर आते अपने अपने बकरे को फाइटिंग करवाते। उसमें क्या है बकरे को लगभग गई तो फिर कुर्बानी जायज तरीके से नहीं होगी, ठीक है? नहीं ज़्यादा मत जाओ उधर पे, मेरे को क्या मार रहा है, उन लोग को देख के तू भी जोश में आ रहा है क्या? क्या हालचाल है रे तेरा बकरे? हालचाल पता है क्या है? एक उंगली रख देना नाक
पे, फिर आती है अच्छी आवाज। कैसे बता? मैं बता मैं बाल बना रहे, बाल खराब कर रहे ऐसे। अरे इसको ये ऐसा दूर पकड़ने का रहता, दूर अभी आजाद कर दो इसको, रस्सी रस्सी भी इसमें बांध के छोड़ दो, रस्सी भी पकड़ के खींचने की जरूरत नहीं है। हाँ अच्छी बात, उसका भी रस्सी छोड़ दे है ना, थोड़ा तो उन लोग को लगे कि हाँ एकदम मस्त आराम से घूमो फिरो मजे करो, उठो बैठो भागो दौड़ो जो करने करो, नो रस्सी नथिंग ठीक है नहीं, ऐसी छोड़ देने का एकदम। हाँ इसको भी हम लोग ने फारिग कर दी एकदम, रस्सी इसके गले में लपेट दिए और छोड़ दिए। देखो गार्डन के अंदर ना फिर पब्लिक आ गई है बकरे लेके, अभी कम से कम यहाँ पर 10 बकरे तो दिख रहे मुझे, ऐसी भर गया था दूसरे के डैम पे भी। अपने बकरे मस्त मजे ले रहे हैं, ये तो सो गया, ये थक के बैठ गया एकदम। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ दोनों शूट करके नीचे। हाँ तुम लोग को ऐसा लग रहा देगा ना हम लोग ही घर में है, इन लोग किधर है, तो इन लोग की वीडियो शूट चालू था। हाँ देख इन लोगों को तो मैं आराम से छोड़ दिला आज खोल के, घूमो बिंदास थोड़ा मजे ही लेने दो, ऐसा नहीं यार एकदम कैद कैद वाला सीन, वहाँ पर भी बकरे एकदम मजे कर रहे, लेकिन उन लोगों को तो लोखंड लोखंड पे बांध के रखे लो लोग ने, टेंशन भी नहीं है बकरे वकरे नहीं नहीं भागेंगे, नहीं भागेंगे, भाग के लोग ऐसी जगह पे तो आते पत्ते पत्ते खाने तो भाग के आएंगे और कहाँ जाएंगे, किसी का भागेगा भी तो यही खाने आएगा पत्ते, ये इतनी अच्छी खासी है यहाँ पर खाने का टेंशन ही नहीं है। हाँ तू खाना नहीं खाया ना, निकाले अभी जाता हूँ। हाँ शूट के चक्कर में देखो यही होता है, देखो इसका खाना कितने बजे, 6:30 बज रहा है, 6:30 बज रहा है अभी तक खाना नहीं खाया है, ये होता है भाई ऐसा, खाना बनाते खाते लेकिन वो तो टेस्टिंग, वो तो खाली टेस्टिंग रहती है, है बहुत बहुत हार्ड है। हाँ ब्लॉगिंग करना या फिर कुछ तो, भी यूट्यूब तभी तो मेहनत का फल मिलता है, मिलता है बराबर। नहीं बहुत से लोग को लगता है हलवा है। हाँ लेकिन हार्ड है, 5वां साल चल रहा है अभी। हाँ और ये मार्च में 5 साल कंप्लीट हो जाएगा, स्ट्रीट हाँ। फूड जाएगा वो, आपा को तो 7 साल होगा, आपा को तो ऑल टाइम हो गया है। सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हूँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है अभी ना, पिछले 2 टेंशन ऐसे ही भाईजन आते हैं मैं पकड़ लेता हूँ उनको व्लॉग में, आपने आज आप आ गई है। वालेकुम अस्सलाम, नहीं ना पकड़ रहेगी? हाँ ये तो अभी आई है लेकिन वीडियो में तो देख ली रहेगी। हाँ वीडियो में देख ली, मैंने ये भी देख ली, तुम लोग दोनों यहाँ पे बाल्टी में कल खाना खिला रहे थे वो भी देख ली, उसके बाद मैंने उस पायला भी बोली लेकिन उसने मेरे को जवाब नहीं दी। नूर हाँ उसकी तो हाँ देखना व्हाट्सएप पे मैंने पायला भी भेजा, अच्छा उसने जवाब ही नहीं दिया मेरे को कुछ भी। हाँ नहीं तो क्या? हाँ आज आपा हिसाब लेगी हिसाब। अच्छा अभी भी यार लेकिन बरोबर, अभी मेरी तबीयत वैसी भी खराब है मेरी, ये आई देखो आई कमीनी तेरे पे प्यार आया मेरे को, मैंने देखो आई लव यू बोले तूने उसका भी मेरे को जवाब नहीं दी अभी, व्हाट्सएप पर आज तुम लोगों को दिखाता हूँ लाइव मसला हल। आना लाल आया प्यार आया मेरे को इसके ऊपर, वो जो भी वजह से आया होगा देखो अभी तक नहीं देखी हूँ मैंने, देखो दिखा मैसेज क्या की थी मैंने नहीं तो क्या, मेरे को प्यार आते रहते इसके ऊपर तो मैंने मैसेज किया, उस दिन भी ऐसी मैसेज का जवाब नहीं दिया, आज भी मैसेज का जवाब नहीं, आने का भर देने का वही बोला बोला मैं हिसाब ले, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो गई कि मेरे मैसेज का जवाब नहीं। पकड़ 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 दो ना दो ना। हां तुम भी किधर है? व्लॉग में नहीं है मैं तुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं वीडियो बना रही थी ना बेटा, मैं कहा थी नीचे, अभी आई हूँ नीचे मैं, तो इन लोग का चल रहा है तमाशा। क्या तमाशा नहीं है बच्चा बोल के, लस्सी आपा है मस्त वाली लस्सी, यूसुफ ने तो बकरों को भी खिलाया, यूसुफ ने बकरों को भी खिलाया, बकरे नहीं खाए लेकिन मैं भी बकरे का सोच रही थी, बकरा लाती इस बार पिछले साल को सोची थी कि बकरा के लिए भी बात हो जाती है, घर पे कटेगा बांटो उसमें मेरा, तो अगर देख नियत है लेने की तो ले ले यहीं बांध दे, ये भी वही बोल रहे तुम मेरी, लेकिन तुम लोग का ही दोनों का आंग पे आ जाएगा इतना काम, फिर बाद में हमारा भी टेंशन अलग, टेंशन कुछ नहीं होता आपा देख सब एक साथ हो जाएगा प्रोसेस, वो भी टेंशन नहीं, जो जा 2 घंटा जा रहा 3 घंटा चले जाएगा और क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अल्लाह नूर को अच्छा रखे।
बहुत सेवा कर रही बकरों की। इसके लिए तो प्यार आया था, कल मैंने व्लॉग में देखे। इनको इतना डर लगता है। बच्चे अलग काम कर रहे हैं, इन लोग दाना वगैरह अलग कमा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब देखभाल कर रहे हैं, लेकिन जो मेन काम रहता ना, जो घर बांधने का रात को, उसके बाद वो लोग जो बाहर हम लोग ले जाके छोड़ते, तो वो जो हगना मुतना साफ करने का ना, उसका अजर मिलेगा उसको। मेरे को सच में, मैंने ना कल का व्लॉग देखी ना, मेरे को ऐसा था वो बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं सुबह उठ के बोली थी आपको, मैं बोली देख बकरे का अपन सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन असली हकदार है ना वो है, क्योंकि ना वो ना हगना मुतना। अंडे आए, अंडे तो ना मेरा भी ऐसा इरादा था, पर आज अंडे नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, हां एक्सक्यूज मी, अंकल आज नहीं लगेगा, आज नहीं लगेगा, थैंक यू। अड्डा ऐसा मत भाई, तू तेरे को पहले ही मना किया था, मांडी डाल के भाई। कल खड़ाने की कोशिश कर रहा था खुद से, लेकिन कंधे पे खड़ता है, जमीन पे नहीं खड़ता, उसको मालूम है जमीन पे लगेगा मेरे को करके। डर है ना उसके अंदर का निकलेगा डर एक बार। तो वही अभी अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि दो हिस्सा लेना या लाना, करने वाले तो तेरे भाई जान ही थे, पिछले बार भी वो कर रहे थे बेचारे, वो भी अभी भी चालू ही उनका, क्या करने का क्या करने का, अभी सोचते हैं अभी क्या करें। तो गाइस जो भी अपडेट है ये बता दे। देख मैं तो बोलूंगा नहीं है ना, बिस्मिल्लाह कर दे ना। देख मचान ना आवाज सही बोलू ना, मगजमारी है ना इससे ज्यादा तेरी इसमें, हिस्से में। तू लास्ट टाइम हमें कैसा, तुम दौड़ रहे थे सुबह से लेकर शाम तक, रात के 11 बजे दिया हिस्सा, रात के 11 बजे ना, तो रात को 11:30 बजे हिस्सा मिलता था मेरे को। फिर चार बार जाती थी, तो चार बार घर पे आती थी, चार बार जाती थी और बारिश रेनकोट ओढ़ ओढ़ के जाती थी कि अब मिल जाएगा। फिर पिछले बारी को दो हिस्सा तो ले, अब इनको बोली जरा वो साफ करके देंगे, अपन जिसको भी देंगे ना, तो बेचारे लोग का अच्छा साफ सुथरा गोश है, तो घर पे जाके मेहनत वाला काम नहीं करता। इन चेहरे भी छिछड़ा सब बारीकी से निकालने बैठ गए थे, इतना साफ करके इन्होंने बोल दिया, इतना साफ नहीं करने का, जो खाने रहता है इंसान कर लेता था। भारी पड़ गया था वो चीज, तो अभी वही जुगाड़ लगा रहा, कौन सा दोस्त पकड़ू। तो मैं बोली अभी तुमको जो करना डिसाइड तुम करोगे। घर में लेडीज लोग है ना, हिस्सा बांटने के बाद ना हम लोग अपना अपना साफ करके पका लेते, बस इतना है कि बहुत गाइस। अभी आप लोग सोच रहेंगे कि मैं क्यों इतना वो बोल रही हूं, मैं क्या मदद नहीं कर सकती अपने आदमी को, तो अभी बता दो फिर। नहीं सही बोलेंगे तो ना ही वो खाती है, ना ही वो बना के देगी आपको, धो के बना के देंगी, वो भी पाव किलो गोश्त दिखा तो रुका, वो भी साफ बोटी दिखी तो अच्छा गोश्त भी सही बोलू ना कोई नहीं बनाएगा, इतना टेस्टी बनाती है। मैं गोश्त की दुकान में जाती उसको दिख गया इतना सारा ऐसी अपना भी है कुर्बानी के लिए ना हर चीज तैयारी, लेकिन जब कुर्बानी का टाइम आता ना भाग जाओ। पिछले साल भी कुर्बानी हो रही है और हमारे घर में कुर्बानी हो रही है, और हमारे घर का बच्चा ना ऐसा खड़े हुआ दरूद पढ़ते जा रहा था, मैं एक टांग नहीं पकड़ा था बकरे की, मैं बोली और वो कुर्बानी कर रहे हैं ना भाई साहब, वो बोल रहे भी अरे कहा है लड़का, कहा है, बोले काटो काटो तुम छोटा लड़का है उधर, मेरे हाथ में छुरा दे रहे थे, बोला मेरे से टांग पकड़ नहीं जाएगी, मेरे हाथ में छुरा दे रहे हैं। अरमान था ना अब्बा, मेरे को नर्स यानी मेडिकल लाइन में डालना चाहते थे मेरे अब्बा का अरमान का, लेकिन हमें बचपन में ही शॉर्ट समझ में आ गया मेरे अब्बा को, मैं खून देखते साथ मतलब गायब, मेरी कहानी खत्म हो जाती थी। तो तू बकरा लेगी या हिस्सा लेगी वो तू तेरे ब्लॉग में क्लियर करना, ठीक है, ये चीज आपको पता चलेगी आप आगे ब्लॉग में। मैं ये वाला वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, मिस्टर सरफराज को और नाजिया शेख को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्ट्रीट फूड जायका को भी, स्ट्रीट फूड जायका में तो अभी दिल खोल के बोल के आई हूँ कि भैया लाइक करो, कमेंट करो, है क्या नहीं।